देखिए मैं ऑर्डर बुक में भी नहीं जा रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे ड्रैग करते हुए सारे चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, और एक लाइव ट्रेडिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज का डेट है 28 फरवरी, वेडनेसडे, एंड 11:53 हो चुका है। अगर सारे इंडेक्स देखी तो देखिए यहाँ पे सारे इंडेक्स में फॉल देखने को मिल रहा है। निफ्टी 22,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट कर चुके हैं। सो लेट्स सी कि अभी यहाँ पे हम निफ्टी बैंक पे स्कैल्पिंग करेंगे। तो स्कैल्पिंग करने के लिए मैं प्रेफर करता हूँ 1 मिनट की चार्ट। तो 1 मिनट चार्ट यहाँ पे मैं कर लिया है ओपन, एंड साथ में तो मैं स्कैल्पिंग करूंगा। यहाँ पे स्कैल्पर एक बटन है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसे फ्लोटिंग ऑर्डर विंडो को मैंने यहाँ पे कर लिया है ओपन। देखिए स्कैल्पिंग में मैं बेसिकली लॉस हमेशा छोटा प्रेफर करता हूँ, एंड जो रिवार्ड है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मिनिमम 1:3 रिस्क एंड रिवार्ड के साथ मैं प्रेफर करता हूँ। सो चलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मल्टी टाइम फ्रेम के थ्रू यहाँ पे अनदर एक चार्ट, स्ट्राइक का चार्ट मैं यहाँ पे ओपन करूँगा। कैसे ओपन करना है लेट मी शो यू। यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक मोस्ट ट्रेडेड जो है उनको मैं यहाँ पे क्लिक करके देख सकता हूँ कि बुलिश साइड में ये दिखा रहा है, लेकिन अभी जो मार्केट ट्रेंड है वो बेयरिश है। दैट्स व्हाई मैं बेयरिश प्रेफर करूँगा, यानी पुट के साथ मैं प्ले करना चाहूँगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ओआई 46,000 स्पोर्ट, अच्छा खासा ओआई है, एंड यहाँ पे बेबी 45,000। एटीएम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करूँगा जो है 46,300 पुट, यानी स्लाइडली एड द मनी राइट 46,300 पुट, इसको मैं सिलेक्ट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, एंड 46,300 जो पुट है इनका चार्ट ओपन करूँगा। तो यहाँ पे क्लिक करके देखिए मैंने चार्ट कर लिया ओपन। तो अब चलिए हम करेंगे स्कैल्पिंग। यहाँ पे भी इसका 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे हो चुका है ओपन, और अभी मैं यहाँ पे पोजीशंस बनाना चाहूँगा। 9 पीरियड मूविंग एवरेज को मैंने लगा के रखा है, एंड यहाँ पे अगर मैं पोजीशंस बनाऊँ तो सबसे पहले ये देखिए, तो चलिए मैं यहाँ पे 90 क्वांटिटी को मैं बाय करना चाहूँगा। जस्ट 1 क्लिक में हो चुका है 5 चेस। स्टॉप लॉस जस्ट मैं यहाँ पे बिलो रखना चाहूँगा राइट। तो रिस्क एंड रिवार्ड आप देख सकते हैं 3। अगर मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है तो मैं स्टॉप लॉस को छोटा करके पोजीशन से एग्जिट भी हो सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं अभी स्टॉप लॉस प्लेस करूँगा। तो स्टॉप लॉस है 281, सो लेट मी प्लेस स्टॉप लॉस। मैं यहाँ से भी प्लेस कर सकता हूँ सेल, ये देखिए स्टॉप लॉस प्लेस्ड हो चुका है ओके। ये 15 क्वांटिटी का अगर मुझे मॉडिफाई करना है 280, 282 एंड मॉडिफाई राइट। देखिए 1 मिनट में मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, एंड इंडिसिशन टाइप की कैंडल्स बन रहा है राइट। देखिए एक ही जगह पर ट्रेड करता हुआ अभी, अगर ये 46,200 के बिलो आ जाए तो बिल्कुल यहां तक टेस्ट कर सकते हैं, तब तक हमारे ये टारगेट हिट हो जाएगा। लेट्स सी, चलो मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा और छोटा करना चाहूँगा लाइक दिस 10 पॉइंट के आसपास। ड्रैग करके मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को कर दिया छोटा। इस तरह आप भी धन के ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर स्कैल्पिंग कर सकते हुए देखिए 2,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहे हैं। धन की फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके आप 5 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हो, नेक्स्ट दिन से आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। चलो अभी मुझे लॉस नहीं करना है, अभी मैं स्टॉप लॉस को फिर से मॉडिफाई करूंगा। सबसे पहले इसको करना होगा, और गाइस स्कैल्पिंग के लिए कभी भी ओटीएम को सिलेक्ट मत करो, यानी जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं उनको सिलेक्ट मत कीजिएगा। आप हमेशा प्रेफर करें इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट या फिर एटलीस्ट एट द मनी। तो यहाँ पे देखिए मैं स्लाइडली इन द मनी या फिर इसको एट द मनी कहा जाएगा, एट द मनी स्ट्राइक को मैंने सिलेक्ट किया। 3,000 के आसपास प्रॉफिट होता हुआ, एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू अभी सिंपल मेरा जो भी CTC में मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ स्टॉप लॉस को ट्रेल ओके। अभी अगर जो भी हो जाए मुझे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, लॉस भी नहीं होंगे प्रॉफिट भी नहीं होंगे। अभी फिलहाल मुझे मोर देन 2,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। 310 हमारे बाइंग प्राइस, देखिए 342 40 पॉइंट का प्रीमियम में मूवमेंट हो चुका है, 3,000 की प्रॉफिट। बट मैं अभी तक इसको होल्ड कर रहा हूँ। चलो अभी स्टॉप लॉस को और थोड़ा यहाँ तक कर देते हैं। चार्ट के ऊपर गाइस इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल है, आप धन में अकाउंट ओपन कर सकते हो। और इस लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो ये जो कोर्स है एक कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आफ्टर अकाउंट ओपन आप एक ट्रेड कीजिए और उस ट्रेड की स्क्रीनशॉट आप इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, हमारी टीम चेक करके आपको इस कोर्स प्रोवाइड करेगा। देखिए मैं ऑर्डर बुक में भी नहीं जा रहा हूँ,
जस्ट यहाँ पे ड्रैग करते हुए सारे चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, अबाउट टू हिट द एसएल गाइस, आवर ट्रेल एसएल आई थिंक। ओके, हो चुका है। तो 4000 समथिंग हमने इस पोजीशन से बुक कर लिया, इट्स ओके। देखिए, इस कैंडल में हमने सेल कर दिया, इस कैंडल में हमने बाय किया था, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपका इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो सिंपल यहाँ पे जाके इसको आप एक्टिव कर दीजिए, इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट। ओके, और ये आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो। मोबाइल में कैसे करना है, एक वीडियो आज ही अपलोड होंगे तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये देखिए, अभी भी चल रहा है ऊपर, बट हमने एग्जिट कर लिया है। अब हम फिर से इंतजार करेंगे, थोड़ा मौका मिलते ही फिर पोजीशंस बनाएंगे। लॉस को लिमिट करके चलो, हमेशा लॉस लिमिट होना चाहिए। सो अभी देखिए 12:21 है, एंड जहाँ पे हमने एंट्री लिया था वहाँ तक देखिए ये ऑलरेडी आ चुका है, राइट। हालांकि हम स्टॉप लॉस को बिल्कुल एंट्री प्राइस के आसपास कर दिए थे, राइट। तो अभी क्या करना है, चलिए हम ब्रॉड वेस्ट व्यू बनाते हैं। स्टिल 42 है एंड यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ फिर से दोबारा हम यहाँ पे एक बार ट्राई लेंगे इसी सेम स्ट्राइक में। सो यहाँ पे स्कल्पा अभी हम फिर से 90 क्वांटिटी लेंगे एंड देन चलो बाय करते हैं। बाय हो चुका है एंड स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस कैंडल, इस कैंडल के नीचे हम 309 के आसपास हम रखेंगे स्टॉप लॉस। यहाँ पे हम कर्जर रख के ये देखिए स्टॉप लॉस कर दिया है प्लेस्ड। इसको अगर मॉडिफाई करना है 296 थोड़ा ऊपर कर देते हैं 298। इस टाइम हम टारगेट रखेंगे 1:3, दैट इज हियर। या स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलेंगे इसके मूव के साथ। जब तक यहाँ पे निफ्टी बैंक 46,330 के ऊपर ना आ जाए तब तक यहाँ पे व्यू मेरा बीआरसी ही रहेगा। सो लेट्स सी, चलो इट्स गोइंग हायर। अभी मैं फिर से एसएल को, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक ना करता, इसके आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, यहाँ से आके एसएल को टेस्ट किया, एसएल को टेस्ट करके फिर ऊपर जा रहा है। स्काल्पिंग में आपको डिसीजन तुरंत लेना होगा। अगर आपने सीख गया कि लॉस को कट करना है जल्दी, आप कभी ना कभी प्रॉफिटेबल तो बन ही जाएंगे। अभी देखिए स्टॉप लॉस हमारा कॉस्ट के ऊपर आ चुका है, ठीक है, 6000 का सस प्रॉफिट हो रहा है। पंद्रह मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देखिए नीचे की तरफ ही हुआ है। तो अगर इस लेवल्स को नीचे की तरफ ब्रेक करें, अगर ए लेवल्स, ओके कर दिया एसएल हिट एंड इस पोजीशन से भी हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ये जो कैंडल है इस पोजीशन, यहाँ से हमने एग्जिट कर लिया एंड लेट मी सो यहाँ पे भी 1700 के आसपास प्रॉफिट हमने बुक कर लिया इस पोजीशन से। उसके बाद देखिए फिर नीचे की तरफ जा रहा है। सो दैट्स ओके गाइस, इन दिस एपिसोड हमने देखा कि स्काल्पिंग कैसे किया जाता है धन की ट्रेडिंग टर्मिनल पे। अगर आपका अकाउंट ओपन करना है, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन कर लीजिए एंड उस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ए ऑप्शन मास्टर क्लास बिल्कुल फ्री में। ये जो कोर्स आप देख सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास एंड कंटेंट आप देख लीजिए, सेक्शन 1 पे आप क्लिक कर दीजिए, सीखने को क्या मिलेगा इस कोर्स कंटेंट में आके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। आप अगर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया किसी भी लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करते हो या फिर आप अपना फैमिली मेंबर का किसी को भी रेफर करते हो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।